एएचयू एसी है ये। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, इंडोर कैसा रहता, आउटडोर कैसा रहता, वायरिंग क्या है इसकी, मतलब कैसा कंट्रोल होता है, ये पूरा देखेंगे वीडियो में। आखिर तक देखो वीडियो। एएचयू बोले तो अपने को एयर हैंडलिंग यूनिट है ना, वो है। तो अब ये एएचयू का कैसा रहता बोले तो अपने को इसमें इंडोर जो रहता अलग कंपनी वाले बनाते हैं, आउटडोर अलग कंपनी के लगाते अपन। मतलब आउटडोर अपन वोल्टास, ब्लू स्टार, डाइकिन कौन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एएचयू जो है अपने ये वोल्टास वाले, ब्लू स्टार वाले नहीं बनाते। अब मेरे को एक दो कंपनियों का नाम, जीको बोल के एक है कंपनी, बोलना बनाते, सो मैं देखा उसके एएचयू ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे कंपनी में। तो खैर ये कौन सी कंपनी का है कि एएचयू तो नहीं मालूम। तो एएचयू जो है अपने को वीआरवी सिस्टम में कनेक्ट है, ये जो अपने के डाइकिन में वीआरवी सिस्टम है ना, उसमें एएचयू कनेक्ट करे से है। अब कर सकते समझो, उसके लिए अपने को एएचयू में क्या क्या होना रहता, एक तो एक्सपेंशन वॉल, फिर अपने को कंट्रोल बॉक्स मतलब पीसीबी होना पड़ता, फिर एक पैनल बोर्ड। अब पैनल बोर्ड से अपने को जो है एएचयू के जो मोटर आ रहे थे वो कंट्रोल होते। अब ये जो है अपने को 17DR का है, 8.5 के दो जो है कॉइल हैं इसके अंदर, मतलब कॉइल आधा आधा है, ऊपर 8.5 नीचे 8.5 दो है समझो इसके अंदर। तो दो मोटर भी अपने को अंदर, उधर एक मोटर है इधर एक मोटर है, थ्री फेस के दो मोटर आते हैं अपने को। अब वो मोटरों का सेक्शन तो अपने को वो साइड है, एक बार वो साइड देखेंगे, पहले इधर देख लेंगे ये डाइकिन में कनेक्ट है। अब डाइकिन के जो है ये कंट्रोल बॉक्स हैं, कंट्रोल बॉक्स में बोला तो अपने को पीसीबी रहता है इसके अंदर। ये पीसीबी से अपने को इसके आउटडोर का जो है पूरा कंट्रोल रहता है, इसके सेंसर हैं, एक्सपेंशन मोटर वो है सब इसके अंदर कनेक्ट है। वायरिंग वो कहाँ देखेंगे, उधर अपने को ये है पैनल बॉक्स है, पैनल बॉक्स में क्या क्या रहता, ये क्या है, ये क्या है पूरा देखेंगे। एक बार वो साइड जाता हूँ मैं। अब यहाँ देखो ये दो एक्सपेंशन मोटर हैं अपने को, इसके अंदर एक एक्सपेंशन मोटर है इसके अंदर है, जिसके वास्ते अपने को यहाँ दो कंट्रोल बॉक्स में लगे हुए हैं। इला जो है अपने को एक्सपेंशन मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कितना सेट करें अपन उसके हिसाब से कंट्रोल होते हैं। फिर सेंसर हैं वो, ये आउटडोर को ऑन करना हुए पीसीबी है समझो ये। तो नॉर्मल अपन नॉन वीआरवी में भी कनेक्ट करें, वोल्टास के दूसरे एसी में भी, तो अपने को सेम एक पीसीबी होना पड़ता जो अपने को आउटडोरों को ऑन ऑफ करने के लिए रहती। थ्री फेस को इन्हें देखता, फर्स्ट जो थ्री फेस आ रहा है इंडोर को, थ्री फेस ओके नहीं है, फिर उसके बाद कुछ भी ओवरलोड हुआ तो इसके अंदर पूरा रहता, स्कैनर रहता, ओवरलोड रिले रहता। फिर अपने को ये पैनल बोर्ड भी जो है ये पीसीबी से कनेक्ट रहता, ये पूरा ओके रहा तो पीसीबी में अपने को पावर आता, पीसीबी इसको आउटपुट देती, आउटपुट देख के पहले इंडोर ऑन होता, इंडोर ऑन होकर पूरा ओके रहा तो फिर इससे इसको पावर आके ओके बोल के मालूम हुआ तो फिर आउटडोर को ऑन करती, पीसीबी का काम भी है। फिर इसके सामने तो ये वीएफडी लगे हुए, ये वीएफडी जो है अपने को जो अंदर मोटर लगे हुई है ना इंडोर में, वो इंडोर की मोटर का आरपीएम कंट्रोल करती है, मतलब स्पीड जो है कम ज़्यादा करती। अब जैसे आपने घर में रेगुलेटर रहता ना फ़ैन का, अपन 1 2 3 करते तो मैनुअल, वो वैसा ही चाहिए इसका भी काम। तो ये फ़ैन का जो आरपीएम वो है कम ज़्यादा करती थ्री फेज की। तो अब देखो इसमें डबल सर्किट है अपने को, ये दो सेक्शन आए, फिर ये दो डिस्चार्ज आए, सेक्शन सेक्शन, डिस्चार्ज डिस्चार्ज। तो अब डिस्चार्ज के पाइप पे अपने को यहाँ लगे हुआ है एक्सपेंशन मोटर, डाइकिन की एक्सपेंशन किट है ये। तो 8.5 दो सर्किट आए इसके अंदर। फिर ये अपने को सर्विस डोर है इसका, यहाँ खोले तो अपने को एक मोटर इधर है, सेम वो साइड पे अपने को और एक डोर है, वो खोले तो वहाँ एक मोटर। तो ये डोर निकालने के वास्ते अपने को ऐसे लॉका है छोटे, ये लॉका खोल के साइड में कर लिए तो डोर निकल जाता। डोर निकालने के बाद देखो अंदर मोटर आए अपने को। अब ये मोटर को बेल्ट से कनेक्ट है, ये मोटर, ये बेल्ट से मोटर क्या करती है इसके हब को फिराती है, जो इसके अंदर ये फ़ैन है ना, फ़ैन बोल लेंगे अपन। तो अब ये इवापरेटर कॉइल है अपने को ये सेट में। अब ये इवापरेटर कॉइल में जो गैस आती है ना उसको ये मोटर क्या करते, यहाँ एक मोटर वहाँ एक मोटर, ये दो मोटर ये ऐसा फिराते, फिरा के क्या करते यहाँ से जो है अपने को डक्टा लगे हुए, ये डक्टों के ज़रिए अपने को जहाँ जहाँ डक्ट है वहाँ वहाँ अपने को कूलिंग आती। अब अगर खाली नॉर्मल भी ऑन करें अपन तो फ़ैन तो आता समझो। तो अब एएचयू के अंदर अपने को ऐसा रहता, एक इधर इवापरेटर कॉइल रहती, एक मोटर रहती। अब ये बड़ा एएचयू है, 17 टन का एएचयू है ये, बोल के अपने को दो मोटर हैं, वहाँ एक मोटर है यहाँ एक मोटर है, 8.5 के दो कॉइल है इसके अंदर, दो सर्किट हैं समझो, दो सर्किट एक में कनेक्ट है ये। तो एएचयू के अंदर इतना ही रहता अपने को इंडोर में। अब ये मोटर हुआ है कंट्रोल करने के वास्ते अपने को यहाँ पे पैनल बोर्ड है, वीएफडी जो है अपने को उसके आरपीएम कंट्रोल करने के वास्ते, मोटर की स्पीड कम ज़्यादा करने के वास्ते है वो, मतलब अपन को वहाँ से एक बार सेट कर देने का रहता, सेट कर दिया तो अपन को इसकी स्पीड, और इसकी स्पीड कम हो गई तो आवाज़ भी कम हो जाती। अब थोड़े लोगों को आवाज़ ज़्यादा आ रही बोल के वो वीएफडी लगा के कंट्रोल करते समझो। डाइकिन का वीआरवी सिस्टम है बोल के एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन मोटर्स है इसके अंदर। अब बोल रहा हूँ कंट्रोल करने के वास्ते वहाँ कंट्रोल बॉक्स आए, अगर ओवरलोड हो रहा तो ट्रिप कर देता समझो उसको, या फिर थ्री फेस का हो कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो भी उसमें मालूम आया था अपने को।
अपने को इतना ही रहता, इंडोर जो रहता एक अलग रहता, फिर आउटडोर के वास्ते अपने को ये जो पीसीबी लगाते हैं इंडोर को कंट्रोल करने के वास्ते पैनल बॉक्स रहता है, पैनल बोर्ड से इंडोर कंट्रोल होता है, फिर ये पीसीबीओं से इंडोर का पूरा ओके रहा तो आउटडोरों को ऑन करके आउटपुट देता है। नॉर्मल अपने एसियाँ कैसे रहते वैसे ही चलता। आई होप के समझ में आया होगा ये चू कैसा काम करता क्या है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।